देखो भाई आपका जहेज तो तुमने जितना भी देना है, जो भी देना ना, वो अपनी बेटी को देना है। और रही बात ससुराल वालों की, तो भाई उन्हें क्या, ऐसे ही फटे पुराने, मेरा मतलब है कि घटिया किस्म के कपड़े, लेकिन भाई साहब शक्ल से पढ़े लिखे और खानदानी लगते हैं। इनकी पसंद ना नादिर होगी, नादिर। उसने नजर देखो चिम्मी जी का, तुम्हारी तो आईसाइट कमजोरी रही, जरा नवाजी आपकी और बहुत ही कदरदान है आप फिक्र ही ना करें, सारी शॉपिंग जो है वो आपकी चॉइस से होगी, आपकी मर्जी के मुताबिक इंशाल्लाह। तो बस ठीक है भाई साहब, मैं अपनी पसंद के सोने के कड़े लूंगी, पेमेंट आप लोग कर दीजिएगा। अम्मी ये कड़े कहां से आ गए? अरे भाभी कमरा दिखाए ना अपना, चलो ना बिल्लू आओ, बड़े बातें कर रहे हैं हम लोग, क्या करें, हाँ चलो 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 ना। वैसे मोहसिन मुझे बता रहा था कि आप लोगों ने अपने भाई पे मुकदमा कर दिया है हिस्से के लिए। करना नहीं कर दिया, तब्दीली आधी नहीं आ गई। मैं आपको बताऊं, मुझे तो 100% यकीन है कि हमें हमारा हक मिल ही जाएगा, हक जो हुआ आपने दुआ करनी है शिम्मी जी दिल से। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप, मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ क्या, ये देखें झोली फैला फैला के दुआ करूंगी कि आप लोगों को आपका हिस्सा मिल जाए। वैसे हिस्सा कितना होगा, मतलब अंदाजन कितना मिलेगा? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, ये आप बताना नहीं चाह रही। चलो भाई हम तो दुआ करने वाले हैं, जितना भी मिले दिल से दुआ है, बस अल्लाह करे जल्द से जल्द मिल जाए आप लोगों को। आमीन। मैंने समोसा चेक कर लिया। अरे भाई साहब आप बहुत अच्छा।